Let us understand a very important instrument for measurement of current. That is called ammeter. कहाँ से नाम पड़ा ये? Ampere meter. मतलब जो मेजर कर सकता है एम्पियर को उसको एम्पियर मीटर कहेंगे, जो वोल्टेज को मेजर कर सकता है उसको वोल्ट मीटर कहेंगे, लाइक दैट. तो ये एम्पियर मीटर कहते हैं. क्या है इसको? कहते हैं एमीटर. ध्यान से देखो क्या है ये चीज, ये कैसे मेजर करता है, हाउ इट मेजर द करेंट. तो जो करेंट को मेजर करना उस करेंट को इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से पास करवाते हैं तो फिर वो बता देगा इतना करेंट जा रहा है. होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको लिखना नहीं है, खाली देखना है. मान लो कि देयर आर टू मैग्नेटिक पोल्स, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और यहां पर कोई एक कॉयल है, एक कॉयल ऑफ सेवरल टर्न्स इज सस्पेंडेड हियर बाय मींस ऑफ ए टॉर्सन थ्रेड. टॉर्सन थ्रेड मतलब कोई थ्रेड जिसको आप पकड़ के, मान लो ये थ्रेड है, उसको पकड़ के ऐसे मोड़ोगे फिर छोड़ दोगे तो फिर वापस आ जाएगा, फिर मोड़ोगे छोड़ दोगे तो वापस आएगा. जितना ज्यादा मोड़ोगे उतनी जोर ज्यादा टॉर्क लगा के ये वापस आने की कोशिश करेगा. समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये टॉर्सन थ्रेड है और यहां पर कोई एक कैलिब्रेटेड स्केल है. कैलिब्रेटेड मतलब उसके ऊपर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ऐसे स्केलिंग किया गया है. और इस जो कॉयल है उसके साथ एक पॉइंटर अटैच्ड है. अगर ये कॉयल घूमेगा तो ये पॉइंटर ये स्केल के ऊपर चलेगा. जो करंट को मेजर करना है उस करंट को आप इसके अंदर से पार करवाओ. जब इसके अंदर से कोई एक करंट जाता है, नाउ दिस करंट कैरिंग कॉयल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. क्लास 10 में आप लोग मोटरिंग वाला एक्शन पढ़े हुए, तो बिकॉज ऑफ दैट ये घूमने लगेगा. वो जो टॉर्क होगा वो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट. इनफैक्ट वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है BINA. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आई इज द करेंट, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज द एरिया ऑफ दिस लूप. लेकिन आपको अभी नहीं जानना, बस आपको ये जानना है कि जो टॉर्क होगा, जितना ज्यादा करेंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा. टॉर्क होगा तो घुमा के वापस लेने की कोशिश करेगा. लेकिन कुछ दूर मुड़ने के बाद, जैसे मान लो कि कोई एक थ्रेड है, आपने कुछ मोड़ा तो फिर वो उल्टा वापस आने की कोशिश कर रहा है, उसका रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है. आपका टॉर्क उसका रिस्टोरिंग टॉर्क जब बराबर हो जाएगा वो वहीं पे रुक जाएगा. मतलब जैसे ही मुड़ेगा ऊपर का थ्रेड भी तो मुड़ेगा, ऊपर का थ्रेड इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ये डाइवर्ट होने, ये डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, वो वापस लाने की कोशिश कर रहा है, एक समय में वो रुक जाएगा. ये थ्रेड जब थीटा मुड़ जाता है, ठीक है, मान लो कि इसका शियर मॉडुलस है सी, तो ये कितना टॉर्क बनाता है, सी थीटा, शियर कर गया था, ठीक है. तो क्योंकि इसका स्लाइड हो रहा है, इसको ऐसे मोड़ दिए तो ये उल्टा वापस आने की कोशिश कर रहा है. मान लो कि सी इज द टॉर्सनल रिजिडिटी कॉन्स्टेंट, तो आप कहोगे टाउ इज इक्वल टू सी थीटा. मतलब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क बनाएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू बी डिफ्लेक्शन थीटा. जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा ये और ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे, क्योंकि ये घुमा के डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर करंट जाने के बावजूद ये मुड़ेगा नहीं. सो देन दिस टू टॉर्क्स विल बी बराबर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई. और यहां से पता चलेगा कि आई विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा. समझ में? हम कहेंगे मान लो कि टाउ इज इक्वल टू सी थीटा एंड टाउ इज इक्वल टू के आई, तो हम कह सकते हैं ना टाउ इज इक्वल टू के आई. तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम आप कहोगे जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दोनों बराबर है. मतलब सी थीटा इज इक्वल टू के आई, मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई. कुछ भी कहो, करंट गया इसलिए तो रिफ्लेक्शन हुआ, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई. सो इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू कॉल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई. लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन आपकी जरूरत का भी नहीं है. उसको पढ़ेंगे हम लोग फिर जब पढ़ेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. अभी खैर थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे दिया. इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल.
परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ऐसे बहुत सारे किस्म के इंस्ट्रूमेंट है। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया। बस ये सारे बताने के पीछे मेरा मकसद क्या था आपको बताना कि ये अरेंजमेंट में जब इसके अंदर से करंट जाएगा ये मुड़ेगा, मुड़ेगा तो ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ के पता कर लोगे कितना करंट जा रहा है। समझ में आया क्या? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब भूल जाइए सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ जो बताया वो, कुछ लोगों के लिए जिनको चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए नहीं चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं करना है, खाली देखना है। क्या देखना है? जितना करंट जाएगा उतना डिफ्लेक्शन दिखाएगा। वेल, ये हमें समझ में आया कि एक एमिटर है और ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द करंट पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट, इसके अंदर से जो करंट जाता है उसको ये मेजर करता है, इट मेजर्स द करंट पासिंग थ्रू इट। सिंपल सा चीज, ध्यान रहे ये कौन सा करंट को मेजर करता है, जो करंट इसके अंदर से जाता है, बगल से जाएगा तो मेजर नहीं करेगा, जो करंट को मेजर करना है इसको इसके अंदर से भगाना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास कोई एक 10 वोल्ट का बैटरी है और हमने क्या किया, यहां पर दिया है कोई 3 ओम का रेजिस्टेंस और पता चला कोई पूछा है, चलो 3 क्यों लेंगे, 2 ले लेते हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस, कोई पूछेगा बताओ इसमें कितना करंट है, आप लोग रेगुलर कोचिंग आते हो आपको मालूम है करंट इज 10/2 5 एम्पीयर। जो लोग रेगुलर नहीं है वो क्या करेंगे, अरे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एमिटर है, ये जो करंट इधर से आ रहा है उसको यहां से लाओ, लाके इसके अंदर से डालो और सॉरी इसको इसके अंदर से डालो और ऐसे ले आओ, तो जो करंट इधर से आ रहा था वो इधर से होते हुए गए, अब ये क्या दिखाएगा, रीडिंग कितना करंट है। क्या बात समझ में आया? इससे पता चला कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सर्किट के साथ कैसे कनेक्टेड हुआ, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। तो ये हो गया दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। क्या बात समझ में आया? एमिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो ये सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड, लोड और सर्किट सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बाय द वे ये क्या करंट है, 10 वोल्ट दिया था, 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो कितना करंट होना चाहिए, 10 वोल्ट था 2 ओम का रेजिस्टेंस था तो करंट होना चाहिए 5 एम्पीयर, जो हमें मालूम है। लेकिन उसी करंट को हम लोग एमिटर लगा के मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एमिटर है क्या, एक कॉइल, क्या है कॉइल मतलब ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स, कोई कॉपर वायर को बहुत सारा टर्न बनाया गया, मतलब बहुत लंबा सा कॉपर वायर यूज हुआ होगा, और अगर इसमें हम बहुत ज्यादा मोटे वाला वायर यूज करेंगे तो घुमाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम पतला वायर लेते हैं, पतला वायर ले लिए, लंबा वायर ले लिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पतला वायर लंबा लेंथ तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, चाहे कॉपर हो फिर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है इस कॉइल का, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। मैं सडनली डिस्कवर किया मेरा बोर्ड हिलने लगा है, गिर ना जाए, चलो ठीक। क्या बात समझ में आया? अब इसका कुछ रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस मालूम नहीं, चलो मानते हैं छोटा सा है, 3 ओम, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करंट था जब इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके ले रहे थे, इट वॉज 10/2 दैट इज 5 एम्पीयर, लेकिन अभी 3 ओम रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आ चुका है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2+3 5, अब करंट क्या हो जाएगा, 10/5 2 एम्पीयर। मतलब भली भांति पढ़ लिखे होते तो करंट को कैलकुलेट कर लेते ओम्स लॉ से 5 एम्पीयर, ज्यादा दिमाग लगाया, एमिटर लगाया, रीडिंग क्या दिखाएगा, 2 एम्पीयर, जो कि गलत है। समझ में आया क्या? मतलब जो रीडिंग यहाँ पे आ रहा है वो एक्चुअल रीडिंग से कम ही होना है क्योंकि इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, सो द रीडिंग वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। ये जो एरर है इसको कहते हैं नेगेटिव एरर,
reading value is less than the actual value. Why? Because of internal resistance of the emitter. So kya likhenge? It always produces negative error. मतलब ये है the reading value is less than actual current. क्या बात समझ में आया? तो ऐसा कुछ error इसमें दिखेगा, reading value will be less than the actual current. ठीक है, reading value is less than the actual current. क्या बात समझ में आया? ये थोड़ा जगह इधर उधर ले लेते तो खींच लिया इसको. ओके, नाउ द रीडिंग वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस था. लेकिन एरर तो किसी को भी पसंद नहीं है, एरर को कम करना है. एरर को कम करने के लिए क्या चाहिए? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना जरूरी है. जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतने कम एरर मिलेंगे. दो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. तो व्हाट इज प्रिफर्ड, लो इंटरनल रेजिस्टेंस और हाई इंटरनल रेजिस्टेंस? क्या चाहिए हमें, लो इंटरनल रेजिस्टेंस की हाई इंटरनल रेजिस्टेंस? लो इंटरनल रेजिस्टेंस. जितना हाई हो जाएगा तो करंट उतना कम हो जाएगा. तो ध्यान रखना, इसके कंट्रास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, वहां पर उल्टा जरूरत होगा. हाई इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इसको सीरीज में लगाते हैं, उसको पैरेलल में लगाएंगे. इसका जो जो है उसका कंट्रास्ट वहां पे मिलेगा. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर 4, द एरर इज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इट इज ऑलवेज डिजायर्ड. It is always desired to have small or less internal resistance. For an ideal emitter, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, इज अस्यूम्ड टू बी जीरो. आइडियल रेजिस्टर की केस में, आइडियल एमिटर की केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है. तो अगर कोई एमिटर के बारे में बातचीत हो रहा है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया गया है, यू मस्ट अस्यूम द इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो. तो इतने सारे डिस्कशन से क्या पता चला? पता ये चला, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट मेजर्स द करंट पासिंग थ्रू इट. इसके अंदर से जो करंट जाएगा उसको मेजर करेगा. तीसरा हुआ कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल केस में जीरो होता है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज मैं कहूं कि यहां पे कोई एक सर्किट है ऐसा, ऐसा कोई एक सर्किट है और ऐसा एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, वैल्यूज दिया हुआ है. ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. इन फिगर सोन If an
Ammeter is connected between A and B. A and B, A और B के बीच में लगा दिया गया, आपको क्लियरली दिख रहा है A क्या है B क्या है. Between A and B, A and B, then what will be रीडिंग. रीडिंग क्या होगा बताओ. ए और बी के बीच में हम एक आइडियल एमिटर लगा दिया, रीडिंग क्या होगा बताओ. कितना सिंपल क्वेश्चन है. जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वही लोग कर पाएंगे, बाकी लोग देखते रह जाएंगे. चलिए ये हमारे पास कोई एक सर्किट है और पूछा है कि इसमें अगर ए और बी में हम एक एमिटर लगा देंगे. चलो लगाते हैं. अगर क्या है हमारे पास, लिख दिए ये एमिटर क्या रीडिंग देगा. आप जानते हो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो. पर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है. सोचो भाई ये जो बैटरी है, इस बैटरी से करंट तो यहां से निकलेगा, नो डाउट. ऐसे इधर से तो आएगा, इधर से तो आएगा. आना कहां है, वापस, मतलब यहां पहुंचना जरूरी है. और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है जबकि इसमें कुछ रेजिस्टेंस है. व्हाई द करंट विल बदल टू कम दिस वे, इट विल चूज द जीरो रेजिस्टेंस पाथ. सारा का सारा करंट इधर से होते हुए निकल जाएगा क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है. तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा. और जिसमें करंट नहीं फ्लो करता उसको रख के ना रख के क्या फायदा, भगाओ, भगा दिए इसको. बाकी टोटल सर्किट तो इतना ही है, 20 वोल्ट 4 ओम. क्या करंट होगा, 20/4 5 एम्पियर, और वही जाएगा इसके अंदर से और रीडिंग होगा 5 एम्पियर. क्या बात समझ में आया. हम कहेंगे रीडिंग इन द सर्किट विल बी 5 एम्पियर, रीडिंग इन द एमिटर विल बी 5 एम्पियर. क्या लिखेंगे, एज बाय इंसर्टिंग द एमिटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो. तो आप कहोगे बाय इंसर्टिंग द एमिटर आर इक्वल टू जीरो, नो करेंट passes through, no current passes through 2 ohm and 1 ohm. One ohm and 2 ohm. So. Reading is equal to 20/4, 5 amperes. क्या बात समझ में आया. इज इट अंडरस्टूड. यस. अगला सिमिलर क्वेश्चन दूसरा देता हूं, कोशिश करो बताने के लिए. ठीक है. यहां पर दो एमिटर है, A1 एंड A2. ये 12 एम्पियर करंट. क्वेश्चन क्या दिया है, द टू एमिटर्स है रेजिस्टेंसेस. अब रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 6 ओम. फाइंड रीडिंग इन ईच इंस्ट्रूमेंट, दोनों का रीडिंग बताओ. व्हेन 12 एम्पियर करेंट एंटर्स सर्किट, जब ये 12 एम्पियर करंट सर्किट में घुसेगा बताओ दोनों में रीडिंग क्या होगा. वो तो बहुत सिंपल हो गया.
दे आर जस्ट कॉइल्स ना, क्या था मीटर के अंदर, दिखने में मीटर लेकिन तो डब्बा है भाई, इसमें दो तार वायर है, करंट गया उसके कॉइल में घूम के निकल के आया, और तो कुछ है ही नहीं, इज जस्ट ए वायर, मतलब जस्ट ए रेजिस्टेंस, और दोनों रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम के हैं, तो आप कहोगे 3 और 6 दोनों पैरेलल ही लगे और आप 12 एम्पीयर दे रहे हो, और पूछा है कि बताओ इसमें जो करंट जाएगा इसको I1 कहेंगे, इसमें जो जाएगा इसको I2 कहेंगे, फॉर्मूला तो सबको आता है, क्या हो जाएगा I1 अपोजिट रेजिस्टेंस कितना, ये 3 था और ये 6 था, बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट 8 एम्पीयर, I2 it is I minus I1 is 12 minus 8 is 4 ampere. समझ में आया? समझ में आया? Is it understood? कौन सा एरर होता है, पॉजिटिव एरर होता है कि नेगेटिव एरर होता है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए कि हाई इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए फॉर लेस एरर, तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रेंज इंप्रूवमेंट, और कभी कभार ये डिराइवेशन भी आता है सीबीएसई वालों का, सीएचएसई वालों का ये डिराइवेशन नहीं आता है, खाली फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सीबीएसई वालों का डिराइवेशन भी आता है। आपको कहोगे सर सिलेबस में तो नहीं लिखा है मीटर वोल्टमीटर, अरे है, वो कहाँ है बताए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जिसको समझाने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं, तो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, वहां पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ा, खाली वहां पर देखना ये होगा कि वो जो टॉर्क आता है वो टॉर्क क्यों BIN हुआ, बस वो देखना है, ठीक है। रेंज इंप्रूवमेंट, रेंज इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, एमिटर है, मान लो उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो मैक्सिमम 5 एम्पियर मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा करंट दोगे तो उड़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा करंट जाने से तो वो एटरलेट नहीं करेगा, बियर नहीं कर पाएगा तो उड़ जाएगा, लेकिन हमें किसी जगह करंट मेजर करना है यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, और हमें डाउट है कि वहां पर करंट से 60 से 70 एम्पियर तो हो सकते हैं, अब इसी को लेके जोड़ दोगे 60 एम्पियर चले जाएगा, 5 एम्पियर की जगह इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 5 60 एम्पियर डाल दोगे तो उड़ जाएगा, तो फिर क्या अलग अलग करंट के लिए आपको 25 एमीटर कंधे में डाल के घूमना पड़ेगा, नहीं, यू हैव टू हैव ए सिंगल एमीटर जिसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके किसी भी रेंज की करंट को मेजर कर सकते हो, जो एमीटर मैक्सिमम 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है वो 100 एम्पियर तक करंट भी मेजर कर सकता है बाय लिटिल मॉडिफिकेशन, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर। कैसे होता है ये कहानी, लेट स्मॉल IM इज करेंट और मैक्सिमम और रेटिंग करेंट ऑफ एमीटर, मतलब ये कितना करंट मेजर कर सकता है, कैपिटल IM कितना मैक्सिमम करंट तक बढ़ाना चाहते हो, उसका कैपेसिटी कितना दूर बढ़ाना सकते हो, मान लो ये 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, लेकिन मैं इसको यूज करना चाहता हूँ 100 से 150 एम्पियर तक मेजर करने के लिए, मतलब स्मॉल IM हो गया 5 एम्पियर, कैपिटल IM क्या हो गया 150 एम्पियर तक, तो 150 एम्पियर तक संभालने की कैपेसिटी बनाना है, तो कैपिटल IM हो गया 150 एम्पियर, क्या बात समझ में आ रहा है, तो क्या लिख रहे हैं कैपिटल IM, मैक्सिमम करेंट टू बी मेजर, अच्छा ठीक है, ये मैक्सिमम करंट हम क्या मेजर करना चाहते हैं वो कैपिटल IM है, बस और एक डाटा की जरूरत है, वो डाटा क्या है RA, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो होगा ऑफ एमिटर, चलो ये मान के शुरू हो जाते हैं, हमारे पास कोई एक एमिटर था, ये एमिटर का कॉइल है, उसके ऊपर पॉइंटर वगैरह लगा था और ये स्केल था इसका, ये चलता था, अब बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिखा सकते, ऐसे जाता था, अब ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता था उसका स्केल पे लिखा है, इट इज 0 से स्मॉल IM,
ये जीरो से स्मॉल आईएम तक का करंट मेजर कर सकता है, लेकिन मैं इससे मेजर करना चाहता हूं कैपिटल आईएम करंट। इफ आई पंप दिस एंटायर करंट इनटू दिस कॉइल व्हिच इज हैविंग द कैपेसिटी टू मेजर अप टू ओनली स्मॉल आईएम करंट, फट जाएगा, है कि नहीं? कि पतला वायर में अगर ज्यादा करंट ले लोगे, लीची लाइट लगाने के लिए जो वायर लेते हो, इस वायर को लीची लाइट लगाने के लिए जो एलईडी लाइट लगाने की जो वायर लेते हो, उस वायर को ले लो, आपके घर की हीटर में कनेक्शन करो। जैसे स्विच ऑन करोगे हीटर तो बाद में जलेगा, पहले ये वायर जल जाएगा, बिकॉज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, तब उसको हम चीजों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है? जितना ज्यादा मोटा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो डिजाइन किया गया है, कॉयल कंपनी बनाया है इसको, इतना तक मेजर कर सकता है। थोड़ा न्यूमेरिकली समझेंगे तो अच्छा लगेगा। से 5 एम्पियर तक बनाया, मुझे यहाँ पे 90 एम्पियर तक मेजर करने की कैपेसिटी बनाना है, बात समझ में आया? तो मैं क्या करूँ, पूरा 90 एम्पियर दे दूंगा तो ये उड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर हम 90 एम्पियर भी दे देंगे तब भी ये ना उड़े, तो फिर उससे कम देने से भी नहीं उड़ेगा। तो ऐसा कुछ करेंगे कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम 90 एम्पियर करंट भी आ गया तो इसमें करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा। इवन वेन 90 एम्पियर करंट इज कमिंग, द करंट हियर इज ओनली 5 एम्पियर, और आपका मैक्सिमम करंट 90, मतलब करंट आपका 90 से नीचे ही रहेगा, मतलब यहाँ पर करंट भी 5 एम्पियर से कम रहेगा और रीडिंग दिखाते रहेगा। उसके लिए क्या चाहिए, आप अगर 90 एम्पियर करंट भेजोगे तो यहाँ पर 5 एम्पियर अगर जाएगा इसके अंदर से, तो बाकी करंट को तो जाने के लिए रास्ता चाहिए। सो यू हैव टू कनेक्ट ए डाइवर्टर रेजिस्टेंस जो करंट को डाइवर्ट करके ले जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे शंट। क्या कहेंगे? शंट, ठीक है। अब ये जो शंट है इसमें 90 एम्पियर आप करंट भेजे, जबकि इसके अंदर से क्या करंट गया 5 एम्पियर, और ये एमिटर का अपना रेजिस्टेंस है आरए, तो बाकी करंट किधर से गया? इधर से गया। ध्यान से देखो, बाकी करंट कितना, 90 से 5 इधर गया तो 85 इधर से गया। तो अब ये जो आरए है और ये एस है, दे आर इन पैरेलल, है ना? आदित्य क्या लिखे जा रहा है भाईलो जी, बता रहा हूं मैं, इधर वो लिखे जा रहा है, बड़े मन की रिपोर्टर बनोगे। देखो इधर, ये जब मैं 90 एम्पियर करंट यहां से भेज रहा हूं, 5 एम्पियर करंट इसके अंदर से जा रहा है, बाकी 85 इधर से जा रहा है। तो क्या पता चला, रेंज इंप्रूव करने के लिए कोई एक रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना पड़ेगा। क्या रेजिस्टेंस है, थोड़ा ध्यान से देखो, तो एमिटर का रेजिस्टेंस आरए है, ये रेजिस्टेंस एस है, दोनों पैरेलल में है, 5 एम्पियर जा रहा है आरए में, तो 85 एम्पियर जा रहा है शंट में। दिमाग लगाओ और बताओ कि आरए और एस में से छोटा कौन, जब दो रिश्ता पार्लर में होते हैं, दो रिश्ता पार्लर में होते हैं भैया, आरवान एंड आरसू, और करंट भेजेंगे तो किस में ज्यादा करंट जाता है, छोटे रिश्ता में कि बड़ा रिश्ता में? छोटे में, छोटे में ज्यादा करंट जाता है। तो देखो, तो यहाँ पर 85 एम्पीयर इधर से चला गया, ओनली 5 एम्पीयर इधर से गया, मतलब एस इज वेरी स्मॉल। सो आफ्टर दिस एंटायर डिस्कशन व्हाट वी कुड फॉलो टू इंप्रूव द रेंज फ्रॉम 5 to 90, we have to connect a low resistance in parallel. समझ में आया क्या? यहाँ पर current को small IM से capital IM में develop करने के लिए, advance करने के लिए, augment करने के लिए, ये जो एक low resistance इसके साथ parallel में लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इस चीज को हम लोग अभी लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे कि जब हम यहाँ से capital IM current भेजेंगे, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ स्मॉल आईएम जाएगा, बाकी करंट कैपिटल आईएम माइनस स्मॉल आईएम वो शॉर्ट के थ्रू से जाएगा। समझ में आया क्या? तो अब हमें देखना है कि रेंज इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। जस्ट दे विल आस्क यू वन मार क्वेश्चन, क्या लिखना है? टू इंप्रूव द रेंज ऑफ द एमिटर वी मस्ट कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमिटर कॉइल, बस इतने में मार्क मिलेगा। वही लो रेजिस्टेंस, समझ में आया क्या? क्योंकि मेजोरिटी करंट इधर से जा रहा है, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? टू इंप्रूव द रेंज ऑफ एमिटर वी
connect a low resistance shunt in shunt S in parallel with ammeter coil. क्या करना पड़ता है, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना पड़ता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास कोई एक एमिटर है और इसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया गया है, उसके साथ कुछ एस लो रेजिस्टेंस तो लगा दिए हैं, इसका एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहे हैं और कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया गया है कि इवन व्हेन आई सप्लाई कैपिटल आई एम ओनली स्मॉल आई एम करंट इज पासिंग थ्रू दिस एंड रेस्ट ऑफ द करंट कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम पासेस थ्रू द लो रेजिस्टेंस शंट। तो लो रेजिस्टेंस तो है, समझ में आ गया, लेकिन कितना क्या वैल्यू का शंट लगाएंगे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एस, सोचना है, द वैल्यू ऑफ एस इज चोजन इन सच ए वे दैट सच ए वे दैट इवन व्हेन कैपिटल आई एम करेंट एंटर्स सर्किट ओनली स्मॉल आई एम पासेस थ्रू अरे एंड कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम थ्रू, ये किसके थ्रू से जाता है, थ्रू एस। पता चल गया कि एस की थ्रू से कितना जाएगा, कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम, कब, जब कैपिटल आई एम दे रहे हैं। क्या बात समझ में आया, और हमें यह मालूम है कि अरे इज पैरेलल टू एस, ये जो अरे है दैट अरे इज पैरेलल टू एस है कि नहीं, ये थोड़ा जगह बना लेते हैं इसके लिए। Ra is parallel to S. H Ra is parallel to S. क्योंकि शॉर्ट को हम पैरेलल लगाए, तो हम कहेंगे कि इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस देम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, मतलब स्मॉल आई एम इंटू आर ए जितना होगा कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम इंटू एस उतना ही होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। हमारे पास डाटा क्या था, डाटा एट द बिगिनिंग वॉज द रेटिंग वैल्यू ऑफ करेंट स्मॉल है, हमें मालूम है कितना तक बढ़ाना चाहते हैं वो हमारा मर्जी है, हम भी डिसाइड किए, आर ए इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीन चीज मालूम था, पता ये करना था कि क्या शॉर्ट लगाएंगे, लेकिन इस रिक्वेशन से रिलेशन से आपको एस का वैल्यू मिल गया, कितना लगाना है, स्मॉल आई एम जो पहला रेटिंग था, आर ए जो इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम, बस यही फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कह सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द शंट पूछेगा, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड एंड हाउ इट मस्ट बी कनेक्टेड, ए लो रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद एमिटर कॉइल, कितना, ये फॉर्मूला, स्मॉल आई एम आर ए बाय कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। क्या बात समझ में आया, यस सर, यस, देखा कितना मस्त समझ में आता है तुम लोग, ठीक। थोड़ा सा चीजों को यहां पे समझेंगे, हम लिए एमिटर कॉइल और ये एमिटर कॉइल का कुछ
रेटिंग था जो कि स्मॉल आईएम तक था, और हमने इसके क्रॉस में सुइटेबल शंट लगा दिए। अब ये कैपिटल आईएम करंट देने से भी ये चलेगा, लेकिन ये दिखाएगा क्या इसका स्केल में, तो उतना ही लिखा है। मान लो कि ये 5 एम्पीयर तक मेजर कर सकता है, जबकि मैंने इसको बना दिया है कि अब ये 100 एम्पीयर तक कुछ गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन दूंगा मैं 100 तो दिखाएगा कितना, स्केल तो 5 तक का है। सो आफ्टर दिस रेंज इंप्रूवमेंट वी मस्ट चेंज द स्केल, स्केल को बदलना जरूरी है। अब स्केल को बदलेंगे कैसे, बदलेंगे थोड़ा सोचते हैं स्केल को बदलने का तरीका क्या है। ये था पहला स्केल और हमारा पॉइंटर इसके ऊपर खेला कर रहा था, ये जो हमारा क्या है, ये पॉइंटर इसके ऊपर था। ऐसे हमें दूसरा स्केल लगाना है, सेम पॉइंटर से वो नया स्केल का रीडिंग हमें मिलेगा। नया स्केल छोटा स्केल में, पहला स्केल में ये जीरो था, ये स्मॉल आईएम था, नया स्केल में ये जीरो होगा। लेकिन जब ये स्मॉल आईएम दिखा रहा है करंट, जब ये स्मॉल आईएम दिखा रहा है, एक्चुअल करंट तो कैपिटल आईएम है, तो स्मॉल आईएम के सामने रखेंगे कैपिटल आईएम। समझ में आया क्या? मान लो कि स्मॉल आईएम का वैल्यू है 2 एम्पियर, कैपिटल आईएम का वैल्यू है 20 एम्पियर, मतलब जो नया स्केल होगा वो ओल्ड स्केल का 10 टाइम्स होगा। जहां पर इसमें लिखा है 1, यहां पर लिखना है 10, यहां पर लिखा है 1.5, यहां पर लिखना है 15, ऐसे करके। क्या बात समझ में आया क्या? द न्यू स्केल विल बी समथिंग मल्टीप्लाइड टू द ओल्ड स्केल वैल्यूज। वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको कहते हैं कैलिब्रेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बुक वाले नहीं बोलते हैं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। खाली याद रखो कि न्यू स्केल वैल्यूज विल बी वैल्यू टाइम्स द ओल्ड स्केल वैल्यू, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, कैपिटल आईएम बाय स्मॉल आईएम। समझ में आ गया? तो क्या लिखना है, आफ्टर रेंज इंप्रूवमेंट, आफ्टर रेंज इंप्रूवमेंट, ये एक्स्ट्रा है, नोट्स में नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, पूछेंगे तब। आफ्टर रेंज इंप्रूवमेंट द न्यू स्केल वैल्यूज आर के टाइम्स ओल्ड स्केल वैल्यू, आर गिवन बाय, ऐसे लिखते हैं, आर गिवन बाय, थोड़ा ठीक से लिखेंगे, इंग्लिश भी ठीक रहेगा, फिजिक्स भी ठीक रहेगा, गिवन बाय न्यू स्केल रीडिंग इज इक्वल टू के टाइम्स ओल्ड स्केल। हियर व्हाट इज के, कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई, के का वैल्यू हो गया कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम। क्या बातें, समझ में आया? ठीक है, लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन दैट। दो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, एमीटर के ऊपर। एन एमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस सिक्स ओम, फाइंड व्हाट मॉडिफिकेशन मस्ट बी मेड टू मेक इट्स रेंज टेन टाइम्स। मतलब पहले जितना भी मेजर कर सकता था उसका 10 गुना मेजर कर पाएगा। एन एमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस था एमीटर का, 6 ओम,
find what modification must be made to enhance और इंप्रूव और ऑगमेंट कुछ भी लिखो और इंक्रीज द रेंज एनहांस द रेंज टू 10 टाइम्स ये हो गया क्वेश्चन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बस जो डाटा दिया पहले लिख लेते हैं इंटरनल एक्सटर्नल 600 में और कैपिटल आईएम क्या है 10 टाइम्स स्मॉल आईएम है। तो ध्यान से रखना कि इंप्रूवाइज कर रहे हैं रेंज को, तो पहले ये स्टेटमेंट को भूलना मत। For this we must connect a low resistance in parallel, क्योंकि इसमें हमें दो मार्क थे तो एक मार्क उसमें रहेगा। We must connect a low resistance in parallel. We must connect a low resistance S in parallel, where S का फॉर्मूला हाँ ये तो सबको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे आई एम आर ए बाय कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। हाँ और कैपिटल आई एम तो हो गया 10 टाइम्स, तो इट इज आई एम इंटू आर ए बाय 10 टाइम्स आई एम माइनस आई एम, तो हो गया आर ए बाय 9, 6 बाय 9 एंड 6 बाय 9 होता है 0.667 ओम। तो आपको इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पार्लर में। क्या बातें समझ में आया? यस सर। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन लिख दिए, हो गया कि नहीं लिखे? ठीक क्वेश्चन, by using a shunt, by using a shunt S, the range of an ammeter was improved from 5 ampere to 12 ampere. Chalo. If two such shunts, are put in parallel, what maximum current can be measured? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। बोला है कि एक शंट लगाया तो रेंज बढ़ गया कितना, 5 एम्पियर से 12 एम्पियर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मैक्सिमम करंट क्या मेजर कर सकता है 5 एम्पियर। इसके साथ हमने लगाया एक शंट, जब एक शंट लगाया पता चला कि अभी ये शंट लगाने के बाद 12 एम्पियर तक करंट ले सकता है, लेकिन जब ये 12 एम्पियर ले रहा होगा तब इसमें तो करंट 5 एम्पियर ही होगा, और इसमें करंट कितना होगा 12 माइनस 5 7 एम्पियर। अच्छा बोल रहा है कि ऐसा अगर दो ठो शॉट लगा देंगे, वाओ एक लगा दूसरा लगा, अब ये कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है? आप देखो जब ये मैक्सिमम करंट लेगा तब इसमें तो जाएगा 5 एम्पियर, रेंज 5 से 12 हुआ है। अब जब इसमें 5 एम्पियर जाता है तो इसमें कितना जाता है 7 एम्पियर। ये भी एस है ये भी एस है,
अगर इसमें गया 7 एम्पियर तो इसमें भी जाएगा 7 एम्पियर, है कि नहीं? दोनों बराबर ऐसे पैरेलल में, इसमें 7 एम्पियर आ जाती है, इसमें 7 एम्पियर होगा, पर तो टोटल करंट 7 + 7 + 5 = 19 एम्पियर। सो आई मैक्स विल बी इक्वल टू 19 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है? 19 एम्पियर। क्या समझ में आया? तो मोस्ट पॉपुलरली जो क्वेश्चन आता है वो एमीटर की केस में, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से है, और बाकी तो हम लोग नीट ग्रुप में देखेंगे कितना खूंखार उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर सबका दिमाग फाड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, शांति में रहे लोग। सारा मेहनत पढ़ाई तो इसलिए कर रहे हैं कि शांति से रहे, खुशी से रहे, और पता चला कि इतना मेहनत करके अभी रो रो के फ्यूचर शांति में जाएगा, सोचना तो बेवकूफी है। तो अभी से शांत रहे, मस्त रहे। समझ में आया? एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ था, सिरहाने क्या रखा था? वो लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी रखा था और सोया हुआ था। कोई साधु बाबा जा रहे थे, क्यों सोया? क्यों, क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ है? सोया हुआ। अरे कुल्हाड़ी लेके बैठे हो, गफरू जवान हो, जाओ पेड़ वेड़ काटो, तुमको मिलेगा लकड़ी उकड़ी, तो घर में जाओगे तो पैसा कमाओगे। क्या होगा? पैसा कमाओगे तो घर में जाओगे, अच्छे घर में रहोगे। अच्छे घर में रहोगे क्या होगा? अच्छा कमाई करोगे, अच्छा खाओगे पियोगे। हाँ फिर क्या होगा? तो खुशी से रहोगे। बोले इतना करके कौन खुशी में रहेगा? मैं तो ऐसे ही हूँ, देखो कितना खुशी से सोया, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्यों खुशी? मैं तो ऐसा ही खुश हूँ, कुछ करके खुश होने की क्या जरूरत है? इनको कहते हैं ज्ञानी आत्मा। ये जो ज्ञानी आत्मा होते हैं उनका कहना है कि क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे, सब माया है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे। ये लोग तुम लोगों को फुसला बहला के पढ़ाई करा रहे, करवा रहे हैं, किसी काम का नहीं है। ये आत्मा, ये परमात्मा के साथ दर्शन करवा देंगे लेकिन मेडिकल एंट्रेंस नहीं देंगे, ठीक है? अब इसके बाद पढ़ाने वाले हैं हम वोल्ट मीटर। एमीटर में इतना वैरायटी क्वेश्चन किए, क्या समझ में आया? ये वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज एमीटर, लेट अस सी अनदर इंटरेस्टिंग बट कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एमीटर अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट था जो सिलेबस से निकाल दिया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्यों निकाल दिया, पोटेंशियोमीटर, किसी एक बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मूविंग कॉइल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैनुअली करना है, इतना आसान था, उसको निकाल दिया सिलेबस से। एनीवे लेट्स सी व्हाट इज वोल्ट मीटर। बहुत ज़्यादा रिसर्च हम नहीं करेंगे इसके ऊपर क्योंकि ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन है सिलेबस में। It measures the potential difference across two points. कोई दो पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेजर करता है। किसी दो पॉइंट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेजर करता है। और ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आता है वोल्टमीटर मेजर्स वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको होगा हाँ ये मेजर करता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैसा है इसका कंस्ट्रक्शन? इसका कंस्ट्रक्शन जो है इट इज 100% सिमिलर टू दैट ऑफ एन एमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर की कंस्ट्रक्शन में कोई मैकेनिज्म में कोई अंतर नहीं है। एमीटर के केस में वी हैड ए कॉइल हैंगिंग बाय ए टॉर्सन थ्रेड बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स एंड देयर वाज ए पॉइंटर व्हिच वाज फ्री टू स्लाइड ऑन ए कैलिब्रेटेड स्केल। एक्सक्यूज मी, whatever current you wanted to measure, you pass that current
as per the current, you will find there will be a torque, and as per the torque, this will rotate. So the angular displacement was as per the torque, theta is proportional to I. मतलब जितना ज्यादा करंट जाता था ये उतना ज्यादा मुड़ जाता था। वोल्टमीटर के केस में क्या होता है? You apply the potential difference you want to measure. अब इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस तो है। So when you apply your potential difference, you will see the current will be proportional to the potential difference. जितना ज्यादा potential difference उतने ज्यादा करंट। Current is proportional to potential difference, torque is proportional to current. So theta is proportional to tau, theta is proportional to current, and as a whole you find theta is proportional to v. मतलब जितना ज्यादा potential difference देंगे उतनी ज्यादा current होगा, उतनी ज्यादा torque होगा, उतनी ज्यादा ये मुड़ जाएगा, और you will get the deflection of the pointer. Mechanism 100% same. अब ये जो voltmeter है, इसको यूज करके हम किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, तो पहले इसको उसी दो पॉइंट के बीच में लगाना पड़ेगा। सपोज हमारे पास कोई एक सर्किट है, ये सर्किट कुछ ऐसा है, हमने यहां पर लगाया 10 वोल्ट, मान लेते हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमें ये दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो 10 वोल्ट का बैटरी है तो करंट हो जाएगा कितना, 10/5, 2 एम्पीयर करंट, 2 एम्पीयर करंट हो गया। अगर 2 एम्पीयर करंट गया तो ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट, 2 × 3, 6 वोल्ट। हमें अगर इसको मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यही दोनों पॉइंट को इसके साथ ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था अप्लाई हो गया इसके अक्रॉस में। तो पहला चीज क्या समझ में आया, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, पैरेलल विद द सर्किट, समझ में आया। एमिटर में के एमिटर के केस में क्या था, दैट वाज कनेक्टेड इन सीरीज, नाउ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या देखेंगे, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with the circuit, ठीक है, आपने इसको parallel ही लगा दिया। अब ये क्या है जो potential इसने दिया, उसके चलते current जाएगा, ये क्या है, ये तो coil है, coil है मतलब coil का कुछ तो resistance होगा, कुछ resistance है, suppose इसका resistance 6 ohm है, now this 6 is in parallel with 3, 6 in parallel with 3 becomes 2 ohm, अब ये पूरा हो गया 2 ohm, ये हो गया 2 ohm, 10 volt लगाया, तो इसमें जितना voltage drop होगा, इसमें भी उतनी voltage drop होगा, इसमें voltage drop होगा 5 volt, इसमें drop होगा 5 volt, जबकि actually क्या था, 6 volt, measure करने की कोशिश किए, मिला हमें 5 volt, तो it's giving a error, the reading value of the instrument is less than the actual value. ऐसा एरर को क्या कहते हैं, नेगेटिव एरर, द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज गिव्स यू नेगेटिव एरर, मतलब द रीडिंग इज लेस देन द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव एरर, द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव एरर, the instrument always gives negative error, मतलब that is reading value is less than actual value. Reading value is always less than the actual value of current in the circuit. क्या चीजें समझ में आया? ये जो error है भैया, इस error क्यों हुआ? क्योंकि कुछ current गया इधर से,
और पहले रेजिस्टेंस 3 ओम था, ये 6 ओम मिला तो हो गया क्या 2 ओम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया। अभी थोड़ा सोचो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, अगर मान लो कि ये आर का वैल्यू कुछ भी ले लेते, मान लो कि ये 5 ओम है, अगर इसके साथ में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूं, सपोज मैं लगाया कितना से 5 मेगा ओम, नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/R equivalent is equal to 1/R R1 plus 1/R2। यहाँ पर R2 काफी बड़ा है, R1 काफी छोटा है, तो as compared to 1/R1, 1/R2 will be very small because R2 is very large. When R2 is very large, you can ignore 1/R2 in comparison with 1/R1. और आपकी तरीके से सोचे तो equivalent resistance is R1 R2 by R1 plus R2 5 × 10^6 by 5 + 5 × 10^6। अब 5 × 10^6 के साथ एक 5 जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे क्या फर्क पड़ता है, दिस इज 50 lakhs, 50 लाख 5 और 50 लाख दोनों को ही अंतर नहीं है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 10^6 बाय 5 × 10^6 बिकॉज दिस क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, दिस प्लस दिस इज सेम एज दिस, नाउ व्हाट यू फाइंड रेजिस्टेंस रिमेन सेम 5, इट इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग सेम, कब व्हेन द अदर रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो हमें चाहिए कि इसमें एरर ना हो जाए। अब एरर नहीं होने के लिए क्या चाहिए, द वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस इट शुड बी वेरी हाई, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग 6 ओम ले लिए थे, अगर 6 ओम की जगह 6 × 10^6 होता तो फिर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ही रहता, करंट भी वही रहता, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही रहता, जो 6 वोल्ट था वो 6 वोल्ट रहता, लेकिन साथ साथ और भी क्या होता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी बड़ा है तो यहां पर जो करंट जाएगा इस जोन में जो करंट इसके अंदर से जाएगा वो करंट तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वेरी हाई रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल करंट विल गो, समझ में आया, तो जो समझ में आया उसको हम लोग लिखेंगे, 2 मिनिमाइज द एरर द इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होना जरूरी है, एमीटर के केस में क्या था, इट शुड बी वेरी स्मॉल, इट शुड बी वेरी लार्ज फॉर आइडियल एमीटर्स, सॉरी वोल्टमीटर्स, आइडियल वोल्टमीटर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज अस्यूम्ड, अस्यूम्ड का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया क्या, हाँ अस्यूम्ड टू बी इन्फिनिटी एंड करेंट थ्रू इट इज टेकन एज 0, 0 नहीं है, 0 होगा तो फिर कॉइल के ऊपर टॉर्क कैसे आएगा, लेकिन इतना कम करंट है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, करेंट थ्रू इट इज टेकन एज 0, क्या बात समझ में आया, यस सर, छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास कोई एक बैटरी था, और अब हुआ यूं
कितना सिंपल है, ये है सपोज 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम और ये है 20 वोल्ट और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इफ ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, व्हाट विल बी रीडिंग, रीडिंग इसका क्या होगा? अगर कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं ए और बी के बीच में तो बताओ क्या होगा रीडिंग? आप ऐसे हर कोई बोल सकता है, पहले लगा के तो देखो। चलिए लगा दिए वोल्ट मीटर, ये कौन है, वोल्ट मीटर है। अब ये 20 वोल्ट बैटरी से कुछ करंट तो निकल के जाएगा ही, कितना मालूम नहीं है लेकिन जाएगा कुछ, ये आएगा आएगा आएगा। द करंट गोइंग हियर इज वेरी स्मॉल, तो अस्यूम द सेम करंट इज कमिंग लाइक दिस, है कि नहीं? अगर एक्स गया तो एक्स ही घूम फिर क्या गया, क्योंकि इधर से तो कोई करंट आया नहीं। वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्ट मीटर रीडिंग मतलब वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, व्हाटएवर यू से। तो ठीक है, अगर इस सर्किट में हम पता करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अप्लाइंग केवीएल, अगर हम एक बार इसे घुमाते हैं तो गेन करेंगे 20 यहां पे, यहां पर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट 2x, गोइंग अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट 3x, गोइंग अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ 5 करंट 5x, हर जगह ड्रॉप हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर ये चीज 0 हुआ तो इसे मिल गया x कितना, x इज कमिंग आउट टू बी 2 एंपियर। नाउ वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, पहले समझो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, मतलब VB माइनस VA, ये वोल्ट मीटर रीडिंग इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा तो VB माइनस VA, A से B चले, हम गेन कर रहे हैं यहां पर 5x, गेन कर रहे हैं 3x, सो इट इज 5x प्लस 3x, क्योंकि VB माइनस VA इज द वार्डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B, इट इज कमिंग 8x और x का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो रीडिंग होगा 16 वोल्ट। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कितना सिंपल है, बस दो चीज याद रखना है कि द करंट थ्रू वोल्ट मीटर इज 0, और जब कुछ नहीं बोला गया है तो वोल्ट मीटर को आप आइडियल वोल्ट मीटर मान के चलो, अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पक्का आपको दिया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे कोई एक क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इससे ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा जेई मेन के लिए सोचो, लेकिन जो थ्योरी बताया वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड का। व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर टू गिव लेस एरर, हाउ इट इज कनेक्टेड, है ना, ऐसे करके। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि हमारे पास कोई एक सर्किट है कुछ ऐसा वाला, यहां पे लगाया एक वोल्ट मीटर, यहां पे लगाया एक वोल्ट मीटर, दो वोल्ट मीटर लगा दी और कुछ ऐसा लगाया और इसके साथ लगाया कोई एक बैटरी, चलो बैटरी के साथ भी रेजिस्टेंस लगा दिए, इसको वोल्ट मीटर 1 कहो, इसको वोल्ट मीटर 2 कहो, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 20 वोल्ट। पूछा है बताओ व्हाट इज द रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टमीटर 1 में क्या रीडिंग है, वोल्टमीटर 2 में क्या रीडिंग है, दोनों का रीडिंग बताना है आपको। यू वांट टू फाइंड आउट द रीडिंग इन द टू इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टमीटर 1 एंड वोल्टमीटर 2, दोनों का रीडिंग चाहिए। फाइन 6 वोल्ट, जस्ट एक मिनट बेटा, वोल्टमीटर 1 का क्या रीडिंग आएगा,
6 वोल्ट और सेकंड का 10 वोल्ट. समझ में आ गया? बढ़िया, देखो मस्त, वेरी गुड. तो फाइंड रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर्स, दोनों वोल्टमीटर का रीडिंग पता करना है. हाँ चलो थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं. ये थोड़ा लाइन टेढ़ा था, बैटरी टेढ़ा, बैटरी को सीधा कर देता हूं. यस, अब हुआ यूं है कि ये जो बैटरी है उसके चलते करंट निकलेगा यहां से, ऐसे ऐसे करंट निकलेगा और वो करंट इधर से होते हुए आएगा. इसके अंदर से तो कोई करंट नहीं जाएगा, बहुत ही ये हाई रिस्टार्ट है. अगर यहाँ का करंट को एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स है. इधर कुछ भी करंट नहीं गया तो सारा का सारा करंट इधर से गया, फिर इधर से होते हुए इधर तो नहीं जा सकता. करंट को यहां से निकला तो यहाँ पे वापस आना है, इधर से तो नहीं जा सकता, ये वोल्ट मीटर है. तो करंट इधर से होते हुए आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से होते हुए इसमें होते हुए वापस आएगा. क्या बात समझ में आया? यू सी द करंट एवरीवेयर. हमें करंट हर जगह दिखने लगा और दिया गया कि ये 2 ओम है. थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देगा. ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 4 ओम है, और ये सारा करंट एक्स है. कैसे लिखेंगे? अप्लाइंग केवीएल टू पाथ ऑफ करंट, जिस रास्ते में करंट जा रहा है उसी रास्ते को. अगर केवीएल अप्लाई करते हैं तो कैसा होगा? चलो एक जगह से शुरू करते हैं, यहां से. हियर वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी लूज 1 × x, ऐसे आए लूज 2 × x, ऐसे गए फिर से लूज 3 × x, ऐसे आए ऐसे गए फिर से 4 × x, और यहां से यहां पर आया तो गेन किया 20 वोल्ट. दिस होल थिंग इज 0. इससे पता ये चला कि x इज 2 एम्पियर. समझ में आया? अब मुझे वोल्टमीटर 1 का रीडिंग पता करना है. चलिए इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं, और ये पॉइंट को सी मानते हैं, ये पॉइंट को डी मानते हैं, ऐसे नेमिंग कर दी. रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर 1 इज इक्वल टू वी ए, वोल्टमीटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस बीबी, वी ए माइनस बीबी. चलिए बी टू ए चलते हैं, बी टू ए चलते हैं. तो गेन किए 2x, गेन किए 1x, सो दिस 2x गेन किए, 1x गेन किए, 3x बना विच इज 6 वोल्ट. इसने सही बता चुका है आंसर, कितना जल्दी सोच लिया. रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर 2, वोल्टमीटर 2 ये है, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको होगी VC माइनस BD. It measures the potential difference across its terminals. तो VC minus BD, तो D to C चले, gain किए 3x, gain किए 2x, so 2x gain किए, 3x gain किए, 5x बन गया, जो कि 10 volt का है. क्या समझ में आया? Yes sir. Excuse me. तो वोल्टमीटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. आगे रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टमीटर,
वोल्ट मीटर है ये मैक्सिमम स्मॉल वीएम वोल्टेज मेजर कर सकता है। रेटिंग ऑफ वोल्ट मीटर कैपिटल वीएम क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर आर भी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो कि यूजुअली हाई होता है ऐसा है। कोई वोल्ट मीटर है मैक्सिमम 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, लेकिन हम उसको यूज करना चाहते हैं कहीं जहां पर वोल्टेज हमें डाउट है कि 100 से 200 वोल्ट के बीच में होगा। अब वो 10 वोल्ट को संभाल सकता है, 100 से 200 वोल्ट में अगर लगा देंगे फ्यूज उड़ जाएगा उसका। तो हमें इंस्ट्रूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ध्यान से देखो कि ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, ये कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है, जीरो से स्मॉल वीएम, लेकिन हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं जो कि कैपिटल वीएम है और चाहते हैं ये वोल्टेज लगाओ तब भी ये खुशहाल रहे, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इसका मतलब हम इतना 100 वोल्ट लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसकी क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वीएम से स्मॉल वीएम से ज्यादा ना हो जाए। तो फिर मान लो कि ये 10 वोल्ट है, हम दिए 100, तो बाकी 90 वोल्ट कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ऐसे वी कनेक्ट ए सीरीज रेजिस्टेंस। एमीटर के केस में क्या करते थे, वी वेर कनेक्टिंग ए पैरेलल रेजिस्टेंस, बट नाउ वी कनेक्ट ए सीरीज रेजिस्टेंस। क्या बात, समझ में आया? यस यस यस, वी कनेक्ट ए सीरीज रेजिस्टेंस। अब सोचो कि ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या था, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर मान लो कि ये 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता था, अब मैं 100 वोल्ट तक मेजर करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, मतलब जब मैं 100 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो यहां पर 10 वोल्ट भी ड्रॉप होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो ये उड़ जाएगा, मतलब बाकी के सारा वोल्टेज 90 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होना जरूरी है, जबकि दोनों सीरीज में, सीरीज में दोनों में करंट बराबर होता है। सेम करंट गया तो यहां पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहां पर 90 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाए हैं ये एक लो रेजिस्टेंस है कि हाई रेजिस्टेंस है? हाई रेजिस्टेंस, यस। तो टू इंप्रूव द रेंज वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। एमिटर के केस में क्या था, वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यहां पर वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। बस यही सब क्वेश्चन आएगा सीसीसी वालों का, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहां पर जो चीजें समझ में आया उसको लिखेंगे। टू इंप्रूव द रेंज वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस, क्या नाम है उसका, आर एस ई, सीरीज में लगता है इसलिए एस ई है, इन सीरीज। बस उतना ही क्वेश्चन आएगा, टू इंप्रूव द रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर व्हाट मॉडिफिकेशन इज मेड, वी कनेक्ट ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट्स ऑल। कितना रेजिस्टेंस वो देखेंगे। वैल्यू ऑफ आर एस ई इज चूजन इन सच ए वे दैट इवन व्हेन कैपिटल वीएम इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, Only small VM drops
only small VM drops across voltmeter coil. Voltmeter coil. Rest the rest potential difference. Rest potential difference. क्या रेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस? कैपिटल वीएम माइनस स्मॉल वीएम ड्रॉप्स अक्रॉस आरएसई. आरएसई का वैल्यू हमें ऐसा लेना है कि इवन व्हेन वी अप्लाई कैपिटल वीएम, जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है कॉइल है उसमें स्मॉल वीएम होगा और बाकी वोल्टेज उसी रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा. सीरीज रेजिस्टेंस है, करंट इज सेम. एज RAC and RV, RV मतलब voltmeter resistance, are in series, तो दोनों में current बराबर होगा. Current is same in them. Same current flow करेगा. मतलब एमीटर वोल्टमीटर का कॉइल का क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वीएम है. वीएम बाई आरवी जितना होगा सीरीज रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज कितना है, कैपिटल वीएम माइनस स्मॉल वीएम बाई आरएसी उतना ही होगा. मतलब जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस मस्ट बी आरवी इंटू कैपिटल वीएम माइनस स्मॉल वीएम बाई स्मॉल वीएम. तो ये सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. डिराइवेशन कभी नहीं आया लेकिन एंट्रेंस में सब कुछ जायज है. कहते हैं जंग में, प्यार में और एंट्रेंस में कुछ भी हो सकता है, तीनों में सतर्क रहना है. आरएसी इज इक्वल टू RV होल इनटू कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय स्मॉल VM. क्या मैं समझा पाया? Yes sir. Yes sir. Yes. एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है, छोटे से क्वेश्चन. ए वोल्टमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम कैन मेजर ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट. व्हाट इज मैक्सिमम करेंट थ्रू इट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस? नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में इसके अंदर से मैक्सिमम करेंट क्या जाएगा? दूसरा है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन को फिर आगे लिखेंगे. मैक्सिमम करंट क्या होगा? अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम दे सकता है तो कितना करंट संभाल सकता है? यू से मैक्सिमम करंट इज नथिंग बट द रेटिंग बाय रेजिस्टेंस. मतलब ये 100 वोल्ट का है, 5 वोल्ट तक संभाल सकता है 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हो गया 0.05 एम्पीयर. समझ में आया? तो ये मैक्सिमम करंट कितना जाएगा? 0.05 एम्पीयर. बिट नंबर 2 में पूछा है व्हाट मॉडिफिकेशन मस्ट बी मेड टू एनेबल इट
एनी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज अगर मेजर करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या मॉडिफिकेशन हमें करना चाहिए। क्या बात समझ में आया? मतलब रेंज बढ़ाना है। पहले रेंज क्या था? 5 वोल्ट। अब ये इतना दमदार बन गया है कि 100 से 200 वोल्ट तक का मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो हमें आरएसी का फॉर्मूला मालूम है। वी मस्ट कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या लिखेंगे? लिखेंगे फॉर दिस ए हाई रेजिस्टेंस आरएसई मस्ट बी put in series with voltmeter coil, voltmeter coil के साथ एक high resistance हमें लगाना है। क्या है वो high resistance का value? capital Vm minus small Vm by small Vm into RV। यहां पर कैपिटल Vm कितना है? स्मॉल Vm तो दिया है 5 वोल्ट। कैपिटल Vm हम कितना लेंगे? हमें 100 से 200 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज को मेजर करना है तो मैक्सिमम कितना वोल्ट के लिए तैयार रखेंगे इसको? 200 वोल्ट। यस, तो आपको हो गए कैपिटल Vm इज 200 वोल्ट। ये 5 वोल्ट हुआ तो ये 200 वोल्ट हुआ और आर भी तो ऐसे ही दिया है 100 ओम। चले, इट इज 200 माइनस 5 बाय 5 होल इनटू आर भी, आर भी दिया है 100। सो इज इट कमिंग आउट टू बी 390 ओम्स? नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, 3900 है ना? यस yes, देखो कितना कितना बड़ा रेजिस्टेंस पे लगाना पड़ा सीरीज में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टमीटर में रेंज इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं। आया समझ में? एक क्वेश्चन कभी मैं देखा हूं बोर्ड में तो बता देता हूं। एन एमीटर, कहां देखा हूं याद नहीं है लेकिन देखा हूं, हैज करंट रेटिंग, करंट रेटिंग 1 एम्पियर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम और हम बता चुके हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर का फंक्शनैलिटी पूरा बराबर है, वर्किंग प्रिंसिपल बराबर है, डिजाइन भी बराबर है, खाली स्केल बदलना है, एम्पियर लिखा होगा वोल्ट लिखना है। बिट नंबर 1, इफ इट इज टू बी यूज एज ए वोल्टमीटर, फाइंड व्हाट मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन मेजर। अगर इसको वोल्टमीटर जैसे यूज करेंगे कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज तक मेजर कर सकता है, जितना मैक्सिमम वोल्टेज ये संभाल सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस से 10 ओम और ये 1 एम्पीयर तक करंट संभालता है, तो आंसर क्या बनेगा? मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी इक्वल टू
it is maximum current rating into resistance of the instrument, that is 1 ampere into 10. तो इसको वोल्ट मीटर करेंगे तो ये 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है. अगर इसको वोल्ट मीटर जैसे यूज करेंगे तो ये मैक्सिमम 10 वोल्ट तक मेजर करेगा, उससे ज्यादा देंगे करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा तो उसका फ्यूज उड़ जाएगा. ठीक है, बीट नंबर 2 में क्या पूछा है? टू इंप्रूव इट्स रेंज टू 100 वोल्ट, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी पुट इन सीरीज? हाँ, ये सॉल्यूशन भी हमें आता है, सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इट इज आर वी इंटू कैपिटल वी एम माइनस स्मॉल वी एम बाय स्मॉल वी एम. आर वी कितना है? वही तो इंस्ट्रूमेंट है, 10 ओम वाला. अच्छा, कैपिटल वी एम हमें 100 वोल्ट तक मेजर करना है, स्मॉल वी एम अब ये 10 वोल्ट तक कर रहा है, डिवाइडेड बाय 10, इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 900 ओम्स? यस, फिर 900 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये 100 वोल्ट तक मेजर कर सकता है. कैसे लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे. सर 90 होगा ना? 90, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, मैं क्या करूं, 90 हो रहा है क्या? कैसे 90 हो? अच्छा हाँ हाँ, 90 ओम्स, 90 ओम लगा देंगे तो ये मेजर कर सकता है. जिज्ञासा को समझ में आ रहा है क्या है? ऐसा माइक्रोफोन लगाने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है, कुछ बोल रही कि माइक्रोफोन को सूंघ रही, बोल चिल्ला के. हाँ, समझ में आया? yes. पहली बार तो यस का आवाज नहीं, पहली बार आवाज नहीं आया था. सुन के टेस्ट करते हैं, स्मेल करते कैसे सुनता है, ये दिखता लगता कैसा है. चलो ठीक, यहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा थ्योरी बता देता हूं. सीबीएसई वाले कभी कभार पूछते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग वोल्ट मीटर एमीटर मेथड. मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर. वोल्ट मीटर और एमीटर को यूज करते हुए हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है. Using a voltmeter and ammeter, you want to measure the unknown resistance. कैसे? चलो देखते हैं. Simple सा circuit है. आप कोई resistance लिए हो जो मालूम नहीं है कितना है, measure करना चाहते हो, उसके across में कोई भी एक potential difference लगा दो, कोई भी battery जिसका voltage आपको मालूम है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब अगर किसी तरह से मैं इसके across में potential difference पता कर लूंगा, भी है पोटेंशियल डिफरेंस और क्या है करंट पता कर लूंगा, मेरा काम निकल जाएगा. भी भाई आई इज द रेजिस्टेंस. तो मैं क्या करता हूं, आई कनेक्ट ए वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद दिस एंड टू मेजर द करंट आई कनेक्ट एन एमीटर इन सीरीज विद दिस. ये वोल्टेज कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है उसका कुछ ईएमएफ होगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है. हमें देखना है कि वोल्टमीटर कितना रीडिंग दिया, देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर यहां पर करंट आई जा रहा है और ये आइडियल वोल्टमीटर है तो इसमें तो करंट तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये आई ही निकल रहा है. सो एमीटर गिव्स यू, एमीटर गिव्स यू द रीडिंग, एमीटर गिव्स यू द रीडिंग ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, वोल्टमीटर गिव्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस. और आपको होगे आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है आरएक्स, अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टमीटर रीडिंग
डिवाइडेड बाय एमिटर रीडिंग। क्या बात समझ में आया? यस यस। वोल्ट मीटर रीडिंग बाय एमिटर रीडिंग गिव्स यू द रेजिस्टेंस। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट में जान लो यहां पे, ऐसा करके आपने आरएस का वैल्यू निकाला, जो निकाला आप बोले कि इसका रेजिस्टेंस आरएस है, एक्चुअली में उसका रेजिस्टेंस वही है कि उससे ज्यादा है कि उससे कम है, मतलब जो आरएस निकला वो एक्चुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है कि कम है कि बराबर है। हाँ सर बराबर होगा, मेजर किए भी भाई नहीं, थोड़ा सोचते हैं, ये करंट ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो होगा तो पॉइंटर कैसे चलेगा, मतलब यहां का करंट आई है तो यहां का करंट आई नहीं है, आई से थोड़ा सा ज्यादा है। एमिटर क्या रीड कर रहा है? नॉट द एक्चुअल करंट, थोड़ा सा ज्यादा करंट, जो करंट इधर से घूम के आ रहा है उसको भी रीड कर रहा है। अगर ये एक्चुअल आई से थोड़ा सा ज्यादा है तो जो रीडिंग वैल्यू मिला वो आरएक्स वो एक्चुअल आर से थोड़ा सा कम होगा, तो ध्यान रहे कि आरएक्स इज स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल रेजिस्टेंस। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, इज स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि आप लोग सारा चीज समझ चुके हो, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, ये कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल है, एक बैटरी है, दो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या है? इट कैन मेजर ए वेरी स्मॉल करंट पासिंग थ्रू इट, वो छोटा करंट को ये मेजर कर सकता है। कोई गैल्वेनोमीटर को आप एमिटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंप्रूविंग द रेंज, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कोई गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंप्रूविंग द रेंज, बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपके पास कोई एक अननोन रेजिस्टेंस भी है, लेबोरेटरी में ये सब दिया गया है, और क्या दिया गया है? एक रेजिस्टेंस R1 दिया है, और क्या दिया है? लेबोरेटरी टेबल पे देखिए एक रेजिस्टेंस R2 दिया है, और लिखा है कि R2 इज वेरी वेरी लार्ज इज कंपेयर्ड टू R1। नाउ यूजिंग ऑल दिस डिवाइसेस मेक ए सर्किट अरेंजमेंट टू मेजर वोल्टेज Rx। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करिए, IITJ का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, सिंपल है इसलिए करवा देता हूं। ये सारे को यूज करके ऐसा कुछ करिए कि इसका वैल्यू आप पता कर लोगे। अरेंज और डेवलप ए सर्किट यूजिंग द गिवन एलिमेंट्स to measure value of Rx। ये सर बैकग्राउंड में सॉल्यूशन जब लिखने जाएंगे हम ये लिखेंगे, एक गैल्वेनोमीटर क्या है? इट कैन मेजर ए वेरी स्मॉल करंट, कैन मेजर ए वेरी स्मॉल करंट, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का करंट को भी वो मेजर कर लेता है, वेरी स्मॉल करंट। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, इतना छोटा करंट होता है ये जो करंट होता है, इतना छोटा करंट तो फिर वो
स्केल में मेजर करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत छोटा करंट है। और हम जानते हैं कि जो आपका टॉर्क बनता है वो क्या है, बी आई एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू ए इज द एरिया। आपको के साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, ठीक है ले लेंगे, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग लोगे तो माइक्रो एम्पियर में। आपको भी बड़ा कर देंगे एरिया तो इंस्ट्रूमेंट बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके जाना पड़ेगा। करंट तो छोटा है, हम कहेंगे हाँ चलो बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे। जब बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे इसका मास ज्यादा हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, घुमाना मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न भी नहीं ले सकते, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू का भी लिमिटेशन है, साइज का लिमिटेशन है। तो क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर की केस में छोटे से करंट को कैसे मेजर करते हैं, इसमें ऐसे स्केल पॉइंटर वाला अरेंजमेंट नहीं रहता है, बाकी सब कुछ रहता है। इट इज बीइंग सस्पेंडेड बाय ए टॉर्सन थ्रेड, मुड़ेगा तो इसमें थ्रेड में बनेगा। उसमें क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं इसमें एक छोटा सा मिरर लगा देते हैं, स्मॉल साइज मिरर। और यहां पर से कोई एक पेंसिल टॉर्च रहता है, जिस पेंसिल टॉर्च से आप क्या करते हो इसका लाइट को फोकस करके इसके ऊपर डालते हो ऑन दिस मिरर। व्हेन यू फोकस लाइट, लाइट विल रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट करके आएगा, ऐसे गिरेगा काफी दूर पे, मान लो कि 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर दूरी पे। क्या करते हैं एक स्केल ऐसे रखते हैं, बड़ा सा स्केल, बिग साइज स्केल। अब क्या हुआ, जैसे कोई छोटा सा करंट जाएगा तो ये थोड़ा सा घूमेगा, और रिफ्लेक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे माइनर क्लासेस में या फिर हम तो पढ़ाएंगे। फिर द मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल 2 थीटा। ये जब थीटा घूम जाएगा ये 2 थीटा घूम जाएगा, मतलब ये जो पहले यहां पर था वो ऐसे हो जाएगा। और क्योंकि ये काफी ज्यादा दूर पे है तो ये डिस्टेंस विल बी, क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये घुमाए 2 थीटा, हम कहेंगे अगर ये घुमाए 2 थीटा और ये डिस्टेंस से आर, तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू टू थीटा हो जाएगा, मतलब ये काफी ज्यादा मूव करेगा। तो हम देख के पता कर सकते हैं कि आसानी से घूम रहा है, देखो हम पहचान सकते हैं। तो यूजिंग दिस अरेंजमेंट वी यूज ए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का खासियत क्या है, खासियत ये है कि ये मेजर करता है वेरी स्मॉल करंट्स। इसमें और एक खूबी होता है, अगर इसमें करंट ऐसे घुमा, ऐसे घुसा अंदर, ऐसे निकला, ये जिधर को मुड़ेगा, करंट उल्टा गया तो उल्टा मुड़ेगा। तो इसका जो स्केल है ये दूर पे लगा है, उसका जीरो पॉइंट बीच में होता है। इधर आया तो करंट का डायरेक्शन आप गेस कर सकते हो, ये इधर गया तो करंट का डायरेक्शन आप गेस कर सकते हो। इट नॉट ओनली मेजर्स स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट, इट ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, खैर थोड़ा सा बता दिए गैल्वेनोमीटर के बारे में। एनीवे आप कह सकते हो कि यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर वी कैन मेजर करंट। अगर ये बात है तो ये स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर जैसे यूज कर सकते हैं। कैसे, बाय इंप्रूविंग रेंज। हमें 1 एम्पियर 2 एम्पियर मेजर करना है, ये माइक्रो एम्पियर मेजर करता है। हाउ यू इंप्रूव द रेंज, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसको हम वोल्टमीटर जैसे यूज कर सकते हैं। कैसे, कैसे, बाय इंप्रूविंग द रेंज, कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या बात समझ में आया, तो वही चीज हम लिख रहे हैं, ए गैल्वेनोमीटर कैन मेजर ए वेरी स्मॉल करंट। क्यों इतना फैला के बता रहे हैं, क्योंकि यही आता है एग्जाम में। हाउ यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू ए वोल्टमीटर, क्या कहोगे, फॉर दैट वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाउ यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो ए गैल्वेनोमीटर कैन मेजर ए वेरी स्मॉल करंट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, कैसे, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं जोर से बोलो, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज की पैरेलल,
इन पैरेलल। एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाओ तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इनटू एन एमीटर। और अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू ए वोल्ट मीटर, वो भी लिखेंगे 11 वर्ग मीटर। Can be converted into a voltmeter by connecting क्या गोलक को पूछ सकते हैं कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे गोलक? सर हाई रेजिस्टेंस। क्या करने, क्या कैसे लगाएंगे, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाँ, तो लेट अस गो बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, कुछ करो, कुछ सर्किट बनाओ, डेवलप ए सर्किट यूजिंग द गिवन एलिमेंट्स सो एज टू मेजर द वैल्यू ऑफ RX। RX मेजर करने का फॉर्मूला तो हमें आता है, RX को ले लो, ये RX उसके साथ लगा दो वोल्ट मीटर और उसके साथ सीरीज में लगा दो एमीटर, अभी भी तो देखे थे, और इसके साथ लगा दो बैटरी। लेकिन ना आपको वोल्ट मीटर दिया है ना एमीटर दिया है, तो अब हमें वोल्टमीटर एमीटर बनाना पड़ेगा। IIT JEE का क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो। तो वी रिपीट द सेम केस, RX यहां पर मुझे वोल्टमीटर चाहिए था, तो आई हैव टू कनेक्ट ए गैल्वर मीटर एंड ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। फिगर में तो दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, ये दिया है कि इसमें R2 इज मच ग्रेटर देन R1, मतलब वोल्ट मीटर की जगह हम R2 को यूज करेंगे, और जो एमीटर था वो कहां से लाएंगे, वो तो है नहीं, वो भी गैल्वर मीटर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, R1 वाज वेरी स्मॉल सो यू कनेक्टेड इट लाइक दिस, और फिर बाकी का कनेक्शन आपको मालूम है, यू कनेक्टेड अ बैटरी हियर। और जब क्वेश्चन आया था IIT JEE में, आप देख लो प्रीवियस ईयर का, ज्यादा पुराना नहीं होगा, 5-6 साल नहीं, 2010-15 का होगा उस समय का, देख लो, तो ऐसा करके 400 सर्किट दिया था, कौन सा सर्किट सही है। हाँ, समझ में आ गया कौन सा सर्किट सही है। बस ध्यान रखना है कि जो लो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में रखा गया मीटर के साथ, और जो हाई रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में रखा गया गैल्वर मीटर के साथ। क्या चीजें समझ में आया? देखो एक क्वेश्चन वो लोग पूछे और उसके अंदर कितने सारा कंसेप्ट है, इसलिए तो IIT कहलाते हैं। सारा कंसेप्ट को, गैल्वर मीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, गैल्वर मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर एमीटर लेके आप अननोन रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे, वो सारा कंसेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन। क्या चीजें समझ में आया? अगला क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा रेजिस्टेंसेस है, ये भी IIT JEE का है, लेकिन आप लोग कर सकते हो, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल और योर टीचर इज ऑल्सो इक्वली स्मार्ट, तो आप लोग कर लो, चिंता की कोई बात नहीं। कोई दो राय है, हाँ या ना? अरे यार, ये लोग कुछ बोलते बोलते हैं नहीं, क्यों रवि, तुम स्मार्ट नहीं हो क्या? अरे तुम बहुत स्मार्ट हो, और ज्यादा ओवर स्मार्ट होना थोड़ा अच्छी अच्छी बात नहीं है। स्मार्ट मतलब प्रॉम्प्ट इन थिंकिंग। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा एक सर्किट दिया है कि ये 100 ओम का है, ठीक है, ये 500 ओम का है, ये भी 500 ओम का है, ये 300 ओम का है, ये
ये दिया है 200 ओम का है और ये टर्मिनल दिया है ए, ये टर्मिनल दिया है बी, ये दिया है 30 वोल्ट। देखो भाई आईडीजी का है, कोई कर लेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जबकि ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखोगे तो कर लो। क्वेश्चन क्या है, इफ ए वोल्ट मीटर, इफ ए वोल्ट मीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 200 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस एबी, एबी में अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं जो कि कितने का है, ये 200 ओम का है, फाइंड रीडिंग। चलिए कैसे करते हैं हमारे वीर जवान, करो करो करो, आप लोग कर सकते हो, कोई तो बताएगा, कुछ लोगों से ज्यादा उम्मीद है, जल्दी बताएंगे। I am still waiting. नहीं हुआ तो हार मान जाओ, हम बनाते। सब लगे क्योंकि धब्बा लगा है आईआईटी का, है ना, तो दिमाग पे तो जोर लगाएंगे। कितना समय मेरा खाओगे यार, मेरा टाइम कीमती है, मेरा टाइम कीमती है। ठीक है, मैं भी थोड़ा तैयारी करता हूँ बताने के लिए। ये हो गया हमारा सर्किट, क्या दिया हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है इसके क्रॉस में, 200 ओम का है। ठीक है, एनी आंसर? सही, तू अपना कर, उसको क्यों खोज रहा है, खुद का तो बनता नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। बोलो हार गए तो हम शुरू करते हैं, कोई कुछ बोलेगा? समीक्षा बोल। हाँ आंसर बताओ। नहीं निकला। अरे राहुल ट्राई कर रहा है,
आपकी ट्राई करने में मेरा वीडियो लेंथ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। चलो इसको छोड़ देते हैं, आप सॉल्यूशन छोड़ोगे। 100 30 वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट पागल कहां से आया ये लड़का? टोटल बैटरी लगा है 30 वोल्ट का, आंसर आ रहा है 100 वोल्ट। ट्रांसफार्मर है क्या ये? हां 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। नो नो, तो हम बताते हैं, बोलो कि हम हार गए, बोलो कि हम हार गए, तभी हम बताएंगे। बोलो कि हम हार गए, बेशरम लोग। 20 वोल्ट कोई फेंक रहा है, कोई फेंक रहा है 20 वोल्ट। बोलो हम हार गए तो हम बना देते, क्योंकि यू विल ट्राई। देखो भाई, ये हमारा एक राहुल गांधी है, वो भी ट्राई कर रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, आई वेट फॉर योर आंसर, बट आई विल नॉट डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप चैनल में इसका आंसर छोड़ दो, क्योंकि अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट, ये नहीं करने वाले। थोड़ा सा क्लू बता देता हूँ, चलो क्यों दुखी दुखी घर जाओगे? मुझे भी खराब लगा कि आज पूरा क्लास पढ़ा, ये आखिरी क्वेश्चन था और तुम लोग नहीं बना पाए। पूरा क्लास के बाद आखिरी क्वेश्चन को बना लेने में मजा आता है कि हम ऐसे पढ़ाए कि बच्चे कर लिए। थोड़ा सा क्लू देता हूँ, कोशिश करो। देखो क्या कहा गया है कि एबी में एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है लगा दो, लगाने के लिए बोला तो लगा देंगे। कितना ओम का है वो? 200 ओम का। क्या आपको दिख रहा है ये 200, ये 200 पैरेलल में है? यस यस सर। तो कितना हो गया ये? 100। अब ये 100, ये 500, ये 100, ये 500, क्या ये ह्यूस्टन ब्रिज है? यस सर। क्या 300 ओम में करंट जाएगा? नहीं, भगाओ, ये किसी काम का नहीं है। अब ये है 100, ये है 100, और इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट। तो इसमें जितना ड्रॉप होगा इसमें उतना ही ड्रॉप होगा, होगा कि नहीं होगा? ये 100 है, ये भी 100 है, 30 वोल्ट दिए, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट। तो इसमें होगा 15 वोल्ट, इसमें होगा 15 वोल्ट, काम खान खत्म। क्या सबको समझ में आया? हाँ, इसी को कहते हैं IIT, रट्टा मारने वालों को नहीं होता है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। किसी को दोबारा चाहिए तो बताएंगे, या तो फिर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हो गया? किसी को दोबारा चाहिए? हो गया? ठीक। तो यहां पर ये खत्म होता है वोल्टमीटर एमीटर। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, फिर करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टर, हाउ हीट इज बीइंग जनरेटेड, जूल्स लॉ। एक ही क्लास में शुरू होगा, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, और उसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका सिलेबस में खाली लिखा है हीट एंड एनर्जी, थोड़ा सा लिख दिया, और मैं देखता हूँ कि राउरकेला में जो स्कूल से है उसमें नहीं पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाते हैं। हीट एंड एनर्जी लिखा है तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा देते हैं, और थ्योरी सारा पढ़ा देंगे, थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दैट, दैट्स थ्योरिटिकल क्लास, पूरा का पूरा थ्योरिटिकल क्लास कुछ डेरिवेशन से। एंड अंडर नो कंडीशन यू मिस द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला चैप्टर है, ऐसा कभी नहीं हुआ 10 साल में कि उसका क्वेश्चन नहीं आया। 2-3 मार्क तो कंपल्सरली आया है एवरी ईयर, इन टर्म्स ऑफ MCQ, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उस चैप्टर को पूरा समझना बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।